नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्यारसपुर, कुछ दिन पूर्व ग्राम रिछाई तहसील त्योंदा जिला विदिशा शासकीय माध्यमिक शाला में ननिहाल तरस रहे पानी के लिए हमारे चैनल में खबर चलाई थी। खबर को देखते हुए आनन फानन में उच्च अधिकारियों ने PHE को आदेश देकर हैडपम्प का मेंटेनेंस कर दिया, जिससे हैडपम्प में पानी निकलने लगा। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि 3 साल में हमने जो काम नहीं करवा पाए वह आपने कुछ ही दिनों में करके दिखला दिया। उन्होंने हमारे चैनल के लिए आभार व्यक्त किया है। अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। स्कूल में ही उन्हें अब पानी की सुविधा मिल गई। स्कूल में आप यहाँ पर कौन से पद पर हैं, बताएं? मैं हूँ यहाँ का प्रभारी पद। जी, प्रभारी। तो यहाँ पर बच्चों ने शिकायत की है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। समस्या दूर क्यों नहीं की जा रही, क्या कारण है, बताएं? समस्या तो हम भी बहुत परेशान है समस्या से। जी, और हमने अपने विभाग को दो चार बार लिख के भी दे दिया है। जी, और वैसे भी जन हेडपंप भी दे दिया है। जी, तो कुछ नहीं है, पानी वगैरह परेशान है। और जी, 1 किलोमीटर दूर से लाते हैं। जी, वही सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही, जो मेन चीज है जो पानी के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पा रही, तो किस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं आप, बताएं? बच्चे किस प्रकार परेशान हो रहे हैं यहाँ पर? बच्चे हो रहा है, हम भी परेशान हो रहा है, भर के लाते हैं, पिलाते हैं, और जी बच्चे सब मंगवाते हैं बाटम से। मीडिया के माध्यम से अपने विभाग को क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि हमारा जी काम हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। जी, सबसे पहली प्राथमिकता पानी, हमारा पानी नहीं है स्कूल में, तो बड़ी परेशानी है। जी, खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा तहसील ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।